बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, जैसा कि आपका ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा लेंदी है सो so इसीलिए आज के इस वीडियो में हमें बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करना है एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर को रीड करके बताऊंगी साथ ही साथ मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी सो so, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को चैप्टर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सो हो सकता है कि ये

दिस लेड टू मैनी ऑफ द नेटिव पीपल बींग पुश आउट इन टू अदर एरियाज द यूरोपियन सेटलमेंट्स वेयर कॉल्ड कॉलोनीज यानी कि एटीन सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ये सारे जो कंट्रीज है ये सारे जो एरियाज हैं इन सारे एरियाज में यूरोप में रहने वाले जो लोग थे वे लोग सेटल हो गए एंड बेसिकली इन लोगों को इमिग्रेंट्स कहा जाता था सो अब जब यूरोप के लोग इन सारे एरियाज में सेटल हो गए सो इन सारे एरियाज में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे जो मूल निवासी थे उन लोगों को फोर्सफुल्ली अपने ही एरिया से डिस्प्लेस होना पड़ा सो बेसिकली यूरोपियन सेटलमेंट्स को ही कॉलोनीज कहा जाता है यानी कि यूरोप के लोग जिस पर्टिकुलर कंट्री में सेटल होते हैं जिस पर्टिकुलर कंट्री को अपना कॉलोनी बनाते हैं उस पर कंट्रोल करते हैं देन उस कंट्री को ही कॉलोनीज कहा जाता है नाउ व नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म नेटिव यानी कि नेटिव से आप क्या

दिस टर्म वॉज यूज बाय द यूरोपियंस टू डिस्क्राइब द इन्ेबिटेंस ऑफ कॉलोनाइज कंट्री यानी कि जो यूरोपियन पीपल है वही लोग बेसिकली इस टर्म का यूज करते हैं उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि कॉलोनाइज कंट्री में रहते हैं यानी कि कॉलोनाइज कंट्रीज के जो इन्हैबिटेंस है जो रहने वाले निवासी है उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है बाय द यूरोपियंस नाव थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डिड द यूरोपियन कॉलोनाइज साउथ एशियन कंट्रीज यानी कि यूरोप में रहने वाले लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज ने किस तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था सो द आंसर इज इन साउथ एशिया ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड द इनटू पॉलिटिकल पावर्स डिफ़ीटेड लोकल रूलर्स एंड एनेक्स देयर टेयटरीज यानी कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें सो साउथ एशिया में बेसिकली जो यूरोप के ट्रेडिंग कंपनीज़ था जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में भी आया था सो ये सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो बेसिकली साउथ एशिया आते हैं एंड साउथ एशिया के कंट्रीज़ में अपने पोलिटिकल पावर को स्टेबलाइज करते हैं अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी से कन्वर्ट करके चेंज करके अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टेबलाइज करते हैं और साथ ही साथ इन साउथ एशियन कंट्रीज को रूल करने वाले जो लोकल रूलर्स थे उन रूलर्स को डिफीट करते हैं उन लोगों को हराते हैं और उनके टेरिटरीज़ को एनेक्स कर लेते हैं दे रिटेन द ओल्डर वेल डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्राम लैंड ओनर्स यानी कि ये सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी ये पुराना जो वेल डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था साउथ एशियन कंट्रीज़ में यानी कि साउथ एशिया कंट्रीज में रूल करने वाले जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने जो अपना वेल डेवलप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बरकरार रखा था उसी चीज़ को ये लोग भी कंटिन्यू करते हैं एंड लैंड ओनर से ये लोग टैक्स को कलेक्ट करते हैं लेटर द बिल रेलवे टू मेक ट्रेड इजियोर एक्सकवेटेड माइंस एंड स्टिब्लाइज बिग प्लांटेशन एंड लेटर यानी कि बाद में ये लोग क्या करते हैं ये लोग उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जिस कंट्री को उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया है उन सारी कंट्रीज़ में रेलवेज़ को बिल्ड करते हैं रेलवेज का इंट्रोडक्शन होता है ताकि ट्रेड यानि कि व्यापार बहुत ज़्यादा ईजिली हो सके साथ ही साथ उन कॉलोनाइज कंट्री में एक्सकोवेट करते हैं माइंस को एक्सकोवेट करते हैं और साथ ही साथ बिग प्लानेशन को भी स्टिब्लाइज करते हैं नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द टर्म सेटलर यानी कि सेटलर का मतलब क्या होता है सो द टर्म सेटलर वॉज यूज टू डिस्क्राइब द पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल एट अ पर्टिकुलर प्लेस और अ रीजन यानी कि जो settler, ये जो टर्म है सेटलर ये बेसिकली उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बाहर से आते हैं एंड जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में सेटल होते हैं सो द वर्ड सेटलर इज यूज फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका द ब्रिटिश इन आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियंस इन अमेरिका यानी कि ये जो वर्ड है टर्म है सेटलर ये टर्म बेसिकली डच पीपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश पीपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्लैंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में एंड यूरोपियंस लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका में सो so बेसिकली ये जो डच एंड ये जो ब्रिटिश एंड ये जो यूरोपियंस है ये लोग अपने अपने कंट्रीज को छोड़ के इन सारे कंट्रीज में सेटल हुए सो so इन्ही लोगों को सेटलर कहा गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ज्योग्राफिकल लोकेशन को हमें डिस्क्राइब करना है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे सिचुएटेड है क्या नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल या फिर ज्योग्राफिकल फीचर है सो द एंसर इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द टॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम द पेसिफिक टू द अटलांटिक ओशियन यानी की अगर आप नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखेंगे अमेरिका अगर आप नॉर्थ थ एंड साउथ के डायरेक्शन में देखेंगे द नॉर्थ अमेरिका आर्टिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंड करता है यानी कि फैला हुआ है एंड अगर आप वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में देखेंगे द नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशियन से लेकर अटलांटिक ओशियन तक फैला हुआ है West of the chain of the Rocky Mountains is the desert of Arizona and Nevada. So, again अगर आप North America के मैप को देखेंगे then you will find कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेंस का एक चेन है सो so उस रॉकी माउंटेंस के चेन के अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे देन आपको दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखने को मिलेगा पहला है एरिजोना एंड दूसरा है नेवाडा स्टिल फॉर्दर वेस्ट Sierra नेवाडा माउंटेन्स And अगर फर्दर आप वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाएंगे देन आपको सीरा नेवाडा माउंटेन्स भी देखने को मिलेगा टू द ईस्ट द ग्रेट प्लेन्स द ग्रेट लेक्स एंड द वैली ऑफ मेसिसिपी एंड द ओहियो द एपेलिचिन माउंटेन्स एंड अगर आप नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में देखेंगे देन आपको ग्रेट प्लेन्स ग्रेट लेक्स मैसेसिपी एंड ओह के वैलीज एंड साथ ही साथ एपेलीचिन माउंटेन्स देखने को मिलेगा एंड अगर आप सदर्न डायरेक्शन की तरफ देखेंगे दैन आपको मैक्सिको जो कंट्री है वो देखने को मिलेगा सो so ये था नॉर्थ अमेरिका का जोग्राफिकल

हाउ डिड द अर्लियस्ट इनहेबिटेंस केम टू नॉर्थ अमेरिका यानी की नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो सबसे अर्लीस्ट इनहेबिटेंस थे जो निवासी थे वे लोग आखिर नॉर्थ अमेरिका कैसे आए थे सो द आंसर इज

सो so, उस बैरिंग स्ट्रीट के थ्रू ही एशिया से नॉर्थ अमेरिका ट्रेवल करके ये सारे अर्लिएस्ट इनहेबिटेंट्स आए थे

पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ जब पूरा जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा अर्थ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो थोड़ा स्टेबल हो गया सो so अगेन इस चीज को भी अगर आप अच्छे से मैप की हेल्प से समझना चाहते हैं देन प्लीज वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में ही इस चीज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उट द लाइफ स्टाइल ऑफ नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका सो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे जो मूल निवासी थे उनका लाइफ स्टाइल कैसे होता था सो द एंसर इज फर्स्ट पॉइंट द लिव इन बैंड इन विजेस अलॉन्ग द रिवर वैलीज यानी कि ये सारे जो नेटिव पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के ये सारे लोग बैंड्स में रहते थे यानी कि ग्रुप में रहते थे विलेजेस में रहते थे एंड उनका जो विलेजेस होता था वो बेसिकली रिवर वैली के आसपास में ही होता था सेकेंड पॉइंट दे ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड एंड वेजिटेबल्स यानी कि ये सारे जो नेटिव पीपल थे ये एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे खेती बाड़ी करते थे और साथ ही साथ क्रॉप्स को उगाते थे वेजिटेबल्स को भी उगाते थे दैट मीनस कि इन लोगों को एग्रीकल्चर का नॉलेज था थर्ड पॉइंट दे एट फिश एंड मीट सो ये सारे नेटिव पीपल फिश एंड मीट खाते थे टू गेट क्वालिटी मीट दे ऑल्सो वेंट ऑन टू लॉन्ग जर्नीज़ इन इिस सर्च यानी कि अच्छा मीट पाने के लिए ये सारे जो नेटिव पीपल होते थे ये लोग कभी कभार लॉन्ग जर्नीज में भी जाते थे यानी कि बहुत दूर तक तो यात्रा भी करते थे अच्छी मीट की तलाश में फोर्थ पॉइंट दे डिड नॉट अटैम्प एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि ये सारे जो नेटिव पीपल थे भले ही इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना आता था बट ये लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करते थे यानी कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं करते थे जितना उनका जरूरत होता था उतना ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे उतना ही क्रॉप्स को उगाते थे ट्रेड के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे नेक्स्ट पॉइंट इज देर नॉट ग्रीडी यानी कि ये सारे जो नेटिव पीपल थे वो लोग लो लालची नहीं थे दे आर ले किल्ड एज मैनी एनिमल एज देख फॉर फूड सो अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो या फिर एनिमल्स की बात करो एनिमल्स के मीट की बात करो सो so, ये लोग उतने ही एनिमल्स को मारते थे जितना कि वो लोग खा सके जितना animals के एनीमल्स के मीट को वो लोग कंज्यूम कर सके नेक्स्ट पॉइंट द स्पोक वर्यस लैंग्वेज सो ये सारे जो नेटिव पीपल थे ये लोग एक नहीं बल्कि बहुत सारे लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते थे एक दूसरे के साथ नेक्स्ट पॉइंट दे बिलीव दैट टाइम मूव्ड इन साइकिल सो उनका मानना यह था कि जो टाइम है जो वक्त है वो साइकिल की तरह मूव करते रहता है नेक्स्ट पॉइंट दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट्स एंड डिफरेंट लैंडस्केप यानी कि ये सारे जो नेटिव पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के भले ही ये लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लिटरेट नहीं थे बट फिर भी ये लोग अपने एरिया के क्लाइमेट को और अपने एरिया के डिफरेंट लैंडस्केप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे नाइन्थ पॉइंट दिस पीपल वर स्किल क्राफ्ट पीपल दे ऑल्सो ऑफ़ ब्यूटीफुल टेक्सटाइल यानी कि ये सारे जो लोग थे ये लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पीपल थे यानी कि इन लोगों को क्राफ्ट वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से आता था एंड ये लोग ब्यूटीफुल टेक्सटाइल यानी कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत टेक्सटाइल को ओव कर सकते थे इनकी बुनाई कर सकते थे एंड द लास्ट पॉइंट इज दे मेड फॉर्मल अलायंसेज एंड फ्रेंडशिप यानी कि ये सारे जो नेटिव पीपल थे अगर आप इनके नेचर की बात करो सो so ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे ये लोग फ्रेंडशिप में बिलीव करते थे एंड अलायंसेज में बिलीव करते थे सो so ये थे नेटिव पीपल के कुछ गुण एंड साथ ही साथ उनका कैसा लाइफ स्टाइल होता था सो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर एट वट आर दर्यस टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नेटिव पीपल्स ऑफ न्यू वर्ल्ड सो न्यू वर्ल्ड में रहने वाले जो नेटिव पीपल है जो मूल निवासी है उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से कौन से वर्यस टर्म का यूज़ किया जाता है सो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि न्यू वर्ल्ड किस वर्ल्ड को इंडिकेट कर रहा है सो बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड उस वर्ल्ड को कहा गया है जिस टाइम पीरियड में लोगों को बस इतना मालूम था कि यूरोप एशिया एंड साउथ अफ्रीका ये तीन ही मेन कॉन्टिनेंट है बट जिस टाइम पीरियड में लोगों को ये मालूम चला कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में सो बेसिकली इन थ्री मेन कॉन्टिनेंट इन थ्री न्यू कॉन्टिनेंट को ही न्यू वर्ल्ड कहा गया है सो so बेसिकली इस क्वेश्चन में ही कहा गया है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल को किन किन टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है सो द आंसर इज द वर्स टर्म यूज फॉर द नेटिव पीपल ऑफ न्यू वर्ल्ड आर अब अपरिजिन अमेरिकन इंडियन फर्स्ट नेशन पीपल इंडिजीनियस पीपल नेटिव अमेरिकन एंड रेड इंडियंस सो बेसिकली न्यू वर्ल्ड यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव लोगों के लिए मूल निवासी के लिए इन सारे टर्म्स का यूज किया जाता है जैसे कि अब ऑरिजिन अमेरिकन इंडियन फर्स्ट नेशन पीपल इंडिजीनियस पीपल नेटिव अमेरिकन एंड रेड इंडियंस एंड ये सारे जो टर्म है ये सारे टर्म्स बेसिकली यूरोपियंस के द्वारा ही दिया गया है इन सारे लोगों को नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन describe the experience of the european traders when they met with the native people of north america yani ki

टू मंथ डिफिकल्ट वॉयज यानी कि दो महीनों की यात्रा करने के बाद जब वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट में पहुंचते हैं दैन वो लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं जब उन्होंने ये देखा कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव पीपल है जो मूल निवासी है उनका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड ये लोग यूरोपियन ट्रेडर्स को वेलकम कर रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं

थे, वो तो हंटिंग में एक्सपर्ट थे सो so इसीलिए नेटिव पीपल यूरोपियंस की हेल्प कर रहे थे फिश एंड फर को प्राप्त करने के लिए इन सारी चीजों को गैदर करने के लिए इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट द यूरोपियंस गेट द नेटिव ब्लैंकेट्स, आयरन वर्जल गन्स विच वॉज अ यूजफुल सप्लीमेंट फॉर बोज एंड एरोज टू किल एनिमल्स एंड एल्कोहल सो जैसे कि ट्रेड में क्या होता है आप अगर कोई सामान लेते हो तेन बदले में आपको कुछ सामान देना भी पड़ेगा सो so, इसीलिए ये सारे जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे जब वो ब्लैंकेट्स दे so देते थे आयरन वेजल देते थे एंड गन देते थे सो so, गन एक बहुत ही यूजफुल सप्लीमेंट था फॉर बोर्ड एंड एरो नेटिव पीपल्स तीर्धनुष का इस्तेमाल करते थे एनिमल्स को किल करने के लिए So, जब उन्हें यूरोपियंस के द्वारा गन मिला देन ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था एनिमल्स को किल करने के लिए और साथ ही साथ जो यूरोपियंस थे उन्होंने नेटिव पीपल को एल्कोहल भी प्रोवाइड किया सो आई होप की आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन जस्ट फॉर एन मोटिवेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज देखते रहना चाहते हैं सो नाउ लेट्स मूवर नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपियंसिडर्ड नेमेरिका एज अनिविलाईज

अर्बनिज्म के टर्म में डिफाइन किया है यानी कि वो व्यक्ति जो कि लिटरेट है जो कि पढ़ा लिखा है जिसका एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है एंड जो कि शहर में रहता है सो so वही व्यक्ति को हम सिविलाइज कह सकते हैं वही व्यक्ति सभ्य लोग कहलाते हैं सो टू देम द नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयरड अनसिविलाइज्ड सो बेसिकली वेस्टर्न यूरोपियंस के लिए अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव पीपल है वो असभ्य है अनसिविलाइज्ड

देखने को मिलेगा सो नेटिव पीपल इन सारी चीज़ों को लैक करते हैं सो so, इसीलिए जो वेस्टर्न यूरोपियंस हैं उन्होंने नेटिव पीपल को अनसिविलाइज्ड कंसिडर किया है सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर इलेवन सो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो द क्वेश्चन इज वट वेर द रीज़न बिहाइंड द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी स्वीडन पोलैंड एंड इटली यानि कि क्या वो रीजन थे क्या वो कारण थे जिसकी वजह से इन सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है इन सारी यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो लार्ज स्केल में माइग्रेशन कर रहे थे यानि की अपनी कंट्रीज को छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल हो रहे थे सो द फर्स्ट रीजन इज दैट फ्रॉम द सेवनटीन सेंचुरी देव वेर ग्रुप्स ऑफ यूरोपियंस

कुछ ऐसे ग्रुप्स थे कुछ ऐसे यूरोपियन पीपल्स के ही ग्रुप थे जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था बहुत ज़्यादा अनफेयर या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोयल ट्रीटमेंट किया जाता था क्यों किया जाता था क्योंकि वे लोग क्रिश्चियनिटी के एक दूसरे सेक्ट से बिलोंग करते थे सो इसीलिए ये सारे जो लोग थे ये लोग अपने पेरेंट नेशन यानी कि अपना जो कंट्री है उस कंट्री को छोड़ देते हैं और अमेरिका चले जाते हैं अपना एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए नेक्स्ट रीजन इज सम इमिग्रेंट फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वेर सन हुट इनहेरिट देर फादर प्रॉपर्टी एंड देयर फॉर वो ओन लैंड इन अमेरिका यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस के कुछ इमिग्रेंट्स ऐसे थे जो कि बेसिकली यंगर सन थे यानी कि छोटे बेटे थे सो यंगर सन होने के कारण उनका जो उनके फादर के प्रॉपर्टी पे जो उसका एक हक था वो हक उन्हें नहीं मिल रहा था वो अपने फादर के प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पा रहे थे सो इसीलिए जमीन को पानी की तलाश में जमीन को ओन करने की तलाश में ये लोग अमेरिका चले जाते हैं एंड थर्ड रीज़न इज इमीग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी स्वीडन एंड इटाली हैड लॉस्ट देयर लैंड्स टू बिग फार्मर्स एंड वांटेड फार्म्स दे कु ओन यानी कि इन सारे कंट्रीज में रहने वाले जो इमिग्रेंट्स थे ये लोग बेसिकली अपने लैंड को खो बैठते हैं फ्रॉम द बिग फार्मर्स यानी कि बिग फार्मर्स इनके लैंडस को ले लेते हैं सो इन लोगों को भी एक पर्टिकुलर फार्म चाहिए था लैंड चाहिए था खेत चाहिए था जहाँ पर ये अपना खुद का प्रोडक्शन कर सके सो इस रीज़न के लिए भी ये लोग अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि अमेरिका में

So the answer is

विद so दिस हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए देयर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इवन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट गोल्ड रश सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को आप लोग इसकी मत कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट को आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा सो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी एंड नाउ आई ए अगेन रिक्वेस्टिंग दट इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल दे प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहना चाहते हैं एंड प्लीज कमेंट में डाउन की आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा सो नाव सी ऑल सो इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाई बाये माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो